अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हम चैप्टर की नंबरिंग और चैप्टर में हमारे पास यहाँ पे सब हेडिंग देते हैं 1.1, 1.2, 1.3 और इसी तरह हमारे पास अगर हम चैप्टर 2 में जाएंगे तो 2 में हम देते हैं ऑटोमेटिकली नंबर ऐड होंगे 2.1, 2.3 और 2.4। तो इस नंबरिंग को हम कैसे ऑटो ऐड कर सकते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिसने हमारा चैनल अदनान हाशमी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो लाजमी सब्सक्राइब कर ले। यहाँ पे मैं ये पूरी थीसिस की सेटिंग यहाँ पे दे चुका हूँ। ये देखें, जैसे कि हेडिंग 1 है, हेडिंग 2 है, हेडिंग 3 है, यानी कि ये मैंने पहले से डिफाइन कर चुका हूँ कि कौन सी हेडिंग 1 है और कौन सी 2 है और कौन सी 3 हेडिंग है। ये आपने पहले से ही डिफाइन कर लेना है। तो अगर किसी को ये चीज नहीं पता तो मैं इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। पूरे थीसिस की फॉर्मेट जो है वहां पे मैंने बताया हुआ है कैसे आप कर सकते हैं। इसमें हम सिर्फ आप नंबरिंग का देखेंगे कि ऑटो हम नंबरिंग कैसे ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे हम चैप्टर 1 पे आ जाते हैं। जैसे ही हम चैप्टर 1 पे आएंगे तो यहाँ पे हमारे पास मल्टी लेवल लिस्ट है। यहाँ पे आपने पैराग्राफ में और यहाँ पे मल्टी लेवल लिस्ट है, इस पे आपने क्लिक करना है और यहाँ पे ये हेडिंग है, हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, हेडिंग 4 के नाम से इस पे हमने क्लिक कर लेना है। जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह की हमारे पास फॉर्मेट शो होगा। हमने जैसे इसको सेट करने के लिए हमने इसी पे क्लिक करना है, मल्टी लेवल लिस्ट पे, और हमने डिफाइन न्यू मल्टी लेवल लिस्ट पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये ऑप्शन आ जाएगी। जैसे आप देख सकते हैं हमारे पास 1 है, 2 है, 3 है, यानी कि लेवल हमारे पास शो हो रहे हैं। हमने क्या करना है, जस्ट हमने इसकी यहाँ पे इंटर फॉर्मेटिंग एंड नंबरिंग पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे हमने कुछ ऐड करना है, हमने यहाँ पे लिख देते हैं 1 पे जाके यहाँ पे हमने लिखना है चैप्टर, चैप्टर लिख देना है। चैप्टर लिख के तो हमारे पास यहाँ पे ये देखें टेक्स्ट इंक्लूडिंग ऐड, यानी कि ये टैब देगा तो इसको हमने जीरो कर देना है। इसको मोर पे क्लिक करना है तो यहाँ पे आपके पास मोर ऑप्शन शो हो रही है कि ये हेडिंग 1 है, हेडिंग 1 पे हम काम कर रहे हैं इस दफा। ये देखें ये टैब करेक्टर लिखा गया है, इसको हमने स्पेस काट के और सेट ऑल लेवल पे क्लिक कर लेना है और ओके कर लेना है। जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हम ओके प्रेस कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे चैप्टर 1 शो हो गया है। हमने ये चैप्टर 2 है इसको हमने इस तरह रिमूव कर देना है और यहाँ पे इसको हम सेंटर में कर लेते हैं। जैसे ही हम सेंटर में प्रेस करेंगे तो यहाँ पे ये देख सकते हैं कि ऑटो नंबरिंग ऐड हो चुकी है, यानी कि 1.1, 1.2, 1.3 ऑटो ऐड हो चुकी है। ये देखें जो हमारे पास हेडिंग लेवल 3rd है उसमें भी ऑटो ऐड हो चुकी है। और इसी तरह हम चैप्टर 2 में जाएंगे, ये देखें चैप्टर 2 है, चैप्टर 2, ये चैप्टर हमारे पास 2 है, इसको हम सेंटर में कर देते हैं। तो ये देखें ऑटो नंबरिंग ऐड हो चुकी है, ये इस पे भी, ये देखिए ये नंबरिंग ऑटो ऐड हो चुकी है और ये भी आप लेवल सेट कर सकते हैं। और इसी तरह हमारे पास ये चैप्टर 3 है, चैप्टर 3 की भी इसी तरह हमने हेडिंग ऐड करनी है। ये देखिए ये चैप्टर 3 हमारे पास आ गया है और ये ऑटो ऐड हो चुकी है। और इसी तरह यहाँ पे भी हमारे पास चैप्टर 4 है, चैप्टर 4 में भी हम इसको बैक करके चैप्टर 4 करेंगे तो ये ऑटो ऐड हो चुकी है। तो ये हमारे पास थी कि हमने इसको ऑटो नंबरिंग कैसे ऐड करनी है। तो ये मैंने आपको पूरी तफसील से बता चुका हूँ कि ये कैसे ऐड करनी है। जस्ट हमने यहाँ से क्लिक करके इसमें ऐड कर सकते हैं। अगर फिर भी आपको कोई मुश्किल पेश आ रही है तो आप मुझे कमेंट में रब्ता कर सकते हैं। ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने आपको ऑटो नंबरिंग के बारे में बताया कि हम ऑटो नंबरिंग को कैसे दे सकते हैं थीसिस में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह।